दोस्तों, तारीख है 26 जनवरी 2020। आपको सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग 26 जनवरी मना रहे होंगे और मैं वियतनाम में उस टाइम हो ची मिन सिटी का डे टू है आज। वक्त हो रहा है 10:50। थोड़ी देर में आपको रूम टूर दूंगा। उसकी तो लैंग्वेज इशूज के लिए मैंने गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ किया है। तो मैंने एक जगह पता की है, उसका नाम मैं अभी पोस्ट कर दूंगा। वहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, तब तक आप नज़ारा एंजॉय करिए। आपको रूम टूर कराता हूँ मैं। दिस इज कॉल्ड अ कॉलोनियल रूम। मतलब ये जो होटल है, बेसिकली होटल मेजेस्टिक साइगॉन, ये 1925 से है और फ्रेंच कॉलोनियलिज्म के टाइम से है ये, क्योंकि फ्रेंच कॉलोनी थी वियतनाम। आज ये एक कॉलोनियल होटल से एक मॉडर्न अमेनिटीज वाला होटल बन गया, बट स्टिल इट हैज अ कॉलोनियल और वी कैन से अ हेरिटेज टच। सो लेट मी शो यू द रूम नाउ। बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको इस रूम से जिसमें अभी हम हैं। एक कॉमन बालकनी टाइप कुछ है, ऐसा व्यू है यहाँ से बाहर। तो एक इनक्लोज्ड एरिया में है इसका स्विमिंग पूल नीचे। रूम इज क्वाइट बिग। अभी हमें एक दूसरा रूम मिला है, एक अपग्रेड मिला है सिटी व्यू का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बट ये ओल्ड कॉलोनियल स्टाइल का था और थोड़ा सा बड़ा रूम है कंपैरेटिवली to what in which we are shifting right now. वहाँ से व्यू ज़्यादा अच्छा है, यहाँ से व्यू नहीं है और कोई एक्सटर्नल विंडो भी नहीं है, कोई एडिशनल बैल्कनी नहीं है। अब एक डिफरेंट रूम में शिफ्ट हो रहे हैं। वैसे तो रूम से इतना फर्क पड़ता नहीं क्योंकि सारा दिन में रूम में रहना नहीं होता, बट फिर भी वहाँ से थोड़ा व्यू अच्छा है। मैं आपको भी उसका भी टूर कराऊंगा। अब हमारे रूम के एंट्रेंस देखो आप, ये है सबसे पहले वॉशरूम, छोटा है कंपेरेटिवली उसके। मेन अट्रैक्शन तो यहाँ की बालकनी है। इंटीरियर्स यहाँ के भी ठीक है, काफी मॉडर्न है। दिस इज एन एक्सटर्नल विंडो हियर। ये थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है उस वाले रूम से, प्लस यहाँ से हल्का सा रिवर का व्यू भी दिख रहा है। देयर इज अ साइगॉन रिवर व्यू विजिबल फ्रॉम माय बालकनी। एंड दिस इज द सिटी व्यू, all these skyscrapers and everything. Now there the church which you can see here, ye wala jo church hai, this is called Notre Dame Cathedral, jahan hum kal the. yahan se clearly visible hai ki puri road jo hai decorated hai raat ko, because new year ka time chal raha hai Vietnam mein. So I think this room is actually doing justice to what we have paid to this hotel. We are leaving now. Finally decide हुए कि war remnants museum जा रहे हैं। So guys, हम दोबारा से Mellon taxi में बैठ चुके हैं, green color की। तो war museum खुला हुआ है अभी हमारे पास, एक option है जो हम देख सकते हैं।
टैक्सी से उतर के मैं पहुंच गया हूँ वॉर रेमिनेंस म्यूजियम. देखते हैं कैसा म्यूजियम. दोस्तों अंदर आ गया वॉर रेमिनेंस म्यूजियम के अंदर. टिकट ले ली है मैंने. ये पड़ी मुझे 40,000 डॉन की. मेरे पीछे का नज़ारा से आपको पता चल गया होगा कि हाँ ये वॉर म्यूजियम ही है एक्चुअली. में पीछे यूएस एयरफोर्स के प्लेन्स खड़े हैं. अरे अभी से फायर आने वाला है यार. देखें जरा अंदर से कैसा है. तो आप ही आप एक यूएस एयरफोर्स का पुराना हेलीकॉप्टर देख रहे हैं जो वियतनाम वॉर में यूज हुआ था. और आई थिंक ये एयर राइफल है जिससे मल्टीपल राउंड्स फायर कर सकते हैं. ये सब तो वियतनाम ने कैप्चर किए होंगे इनके प्लेन्स. अगर आपको हिस्ट्री में और वॉर में इंटरेस्ट है डेफिनेटली यू कैन कम हियर. दिस वन इज एंटी एयरक्राफ्ट गन जिससे कि इससे वी कैन लॉक द टारगेट. पुराने ज़माने में ऐसे ही होते थे. आजकल कंप्यूटराइज्ड है बट पहले के ज़माने में यू जस्ट हैव टू होल्ड दिस एंड यू हैव टू टारगेट थ्रू दिस द एयरक्राफ्ट. और यहाँ से निशाना लगा के ये क्लच दबा के दुक 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 सीधा. इनफैक्ट ये टर्न भी होता है. मैंने अभी किसी से पूछा था कि शायद रीयूनिफिकेशन पैलेस या इंडिपेंडेंस पैलेस खुला है पास में है. देखते हैं कि वो वर्थ है विजिटिंग के लिए या नहीं. अभी तक तो ये म्यूजियम मुझे ठीक लग रहा है. अब देखते हैं अंदर क्या है इसके. Okay guys, I'm having this ride now. I'm going to the palace. यहाँ से reunification palace है from the war remnants museum. Yeah. रिक्शा जैसी कोई चीज है उसको बैठे में. Very happening. Very happening. And he is riding this cycle, whatever it is. यहाँ से रीयूनिफिकेशन पैलेस हार्डली कुछ मीटर्स अवे. बट दिस इज वेरी मस्त. यू डू इट. देखो अभी कुछ भी नहीं है. ड्राइवर पीछे है खाली. और सारे लोग हमें पता नहीं क्यों देख रहे हैं. क्योंकि हम दोनों एक ही बैठ गए. आई एम शोइंग द विक्ट्री साइन नाउ. वी फॉर वियतनाम, वी फॉर विक्ट्री. वी आल्सो ये ये वी आर एंटरिंग द पैलेस. काफी सुंदर लग रही है स्ट्रीट ये वाली. दिस इज डेकोरेटेड बिकॉज़ ऑफ न्यू ईयर. दिखा है अभी. दिस इज वो वैन के. काफी रिलैक्सिंग राइड है तुम्हारे लिए. आप नेगोशिएट कर सकते हैं इसके अंदर. और एक अच्छी बात बताऊं कि यहाँ पे ज्यादातर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में वाईफाई फ्री है जो कि अच्छी चीज है और अच्छी स्पीड भी आती है. दिस इज द रीयूनिफिकेशन पैलेस और इंडिपेंडेंस पैलेस, व्हाटएवर यू कॉल इट. तो फ्रेंड्स मैं पहुंच गया हूँ रीयूनिफिकेशन पैलेस. खुला है, इंडिपेंडेंस पैलेस भी बोलते हैं इसको. टिकट ले लिया मैंने 40,000 डोंग फॉर वन पर्सन. थैंक यू. सो वी हैव एंटर्ड द पैलेस नाउ. यहाँ पे बैटरी कार भी है वैसे. एंड वी आस्क इट. यहाँ पे एक मैं चीज़ बता दूँ कि यहाँ पैलेस में फ्री वाईफाई नहीं है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज. बाकी हर जगह पे है. वहाँ वॉर म्यूजियम में तो था फ्री वाईफाई, यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे दो चीज़ें हैं बेसिकली. एक पैलेस है और दिस इज द ब्यूटी.
एक पैलेस है और एक एग्जीबिशन है. तो एग्जीबिशन अगर आप देखेंगे उसके अलग 25 एक्स्ट्रा पर पर्सन. मैंने खाली पैलेस के ही दिए हैं 40,000 पर पर्सन. तो एग्जीबिशन मुझे तो देखनी नहीं थी इसलिए फिर मैंने नहीं ली. कॉन्फ्रेंस हॉल इस पैलेस का. ये भी कॉन्फ्रेंस हॉल ही है एक तरह से. आई थिंक यहाँ पे भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं मे बी बिटवीन द फॉरेन डेलीगेट्स एंड ऑल. देयर इज द सोशलिस्ट flag of Vietnam and this is the national flag of Vietnam. So they are celebrating the new year. This is the bunker, the ham bunker here. जब वियतनाम वॉर में यूएस एयरफोर्स ने जब बम्बार्डमेंट की थी तो आई थिंक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड रॉयल फैमिली यहाँ आके छुपे होंगे. वेंटिलेशन के लिए इन्होंने यहाँ पे ये लगा रखे हैं. दिस इज द कोडिंग स्टेशन here. यहाँ पे शायद कोड डिकोड करते होंगे मैसेजेस को और फिर इस खिड़की से पास करते होंगे. ये सारे मैप्स उस वॉर के टाइम पे आई थिंक सारी ब्रीफिंग्स वगैरह होती थी. दिस इज द प्रेसिडेंट्स बेडरूम. प्रेसिडेंट थे वियतनाम के वो शायद इन सीढ़ियों से निकलते होंगे अपने महल की और डायरेक्टली इस बंकर में आके घुस जाते हैं. दिस इज अ फिल्म्स डॉक्यूमेंट्रीज. यू कैन सी films regarding the history of this palace. Even as the Vietnam War escalated, American troops began to land in Saigon. Not until October 31st, 1966 was a new independence palace inaugurated. अब हम एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं. काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट मानते हैं यहाँ पे. वियतनामीज सब्स बहुत मिलते हैं वहाँ पे. यहाँ से अराउंड 1.4 किलोमीटर है. 1.4 किलोमीटर्स है बाय वॉक. बाय रोड लंबा है 1.8 किलोमीटर्स. वक्त हो रहा है इस टाइम पे 5:20. अभी हम बाहर पैलेस से अभी निकले हैं. 5 बजे पैलेस बंद हो जाता है. वाईफाई भी मिल गया था बाय द वे बट बहुत ही कम टाइम के लिए मिला था. एक एस फ्री नाम का वाईफाई था. यहाँ पे कैफेज और रेस्टोरेंट्स हैं अच्छे अच्छे इसी लाइन में. ये पैलेस आगे जाके लेफ्ट है. वहाँ से बाहर निकलते ही हम इस स्ट्रीट पे आ रहे हैं. मतलब जहाँ हम जा रहे थे वो तो बंद था अगेन न्यू ईयर की वजह से. और फिर उसके पास ही एक और सब की दुकान थी. मतलब सब सबको पता ही होगा सैंडविच जो होता है जो सब्बे वाला सैंडविच होता है वही वाला. 250,000 में हमने काफ़ी अच्छा खाया पिया. दो सब लिए. दो मैंने कॉफ़ी पी हॉट कॉफ़ी. एक कोल्ड कॉफ़ी भी आई इसमें. मार्केट में हम बिनथन मार्केट के पास घूम रहे हैं और ये पीछे मेरी आप देख रहे हैं कि सारी शॉप्स क्लोज हैं. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द न्यू ईयर. यहाँ पे एक स्ट्रीट मार्केट है एज यू कैन सी. आप यहाँ पे काफ़ी बार्गेनिंग कर सकते हैं. इट इज़ जस्ट लाइक नॉर्थ प्लेस में हमारा जो पालिका बाजार है वैसा ही कुछ है या मोनेस्ट्री मार्केट होगी. तो अब यहाँ से अब होटल जाने का प्लान कर रहे हैं. वहाँ से फिर हम जाएंगे स्टार लाइट ब्रिज विच इज़ इन डिस्ट्रिक्ट 7 जो दूर है यहाँ से अराउंड 8 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर प्लेस. अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ साइगोन स्काई डेक के पास. यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा. यहाँ से एंट्रेंस है. टिकट का प्राइस मैं आपको सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा कितने की है. अगर आप चाहो जैसे मैं कल ईयन 51 गया था फ्लोर नंबर 51 पे. यहाँ एक कॉफ़ी शॉप है 50th फ्लोर पे. या तो वहाँ से व्यू का नज़ारा ले सकते हैं. वहाँ से आप व्यू देख सकते हो या फिर आप
साइगोन स्काई टेक चले जाओ जिसकी टिकट अलग से है, जब वो अलग से खरीदनी पड़ेगी। अच्छा ये है कि आप बाहर जाइए या फिर कॉफ़ी शॉप जाइए जहाँ से आपको सेम व्यू दिखेगा इंस्टेड ऑफ जस्ट बाइंग द टिकट फॉर स्काई टेक। गाइस मैं अपने होटल पहुँच चुका हूँ मेजेस्टिक साइगोन, और मेरे पीछे बहुत ही क्रेजी ट्रैफिक है इस टाइम पे क्योंकि न्यू ईयर ईव हमारे होटल के पास ही बन रहा है। इस वक्त 9:30 बज रहे हैं, फाइनली मैं जा रहा हूँ स्टार लाइट ब्रिज विच इज इन डिस्ट्रिक्ट 7। तो पहली बार हम डिस्ट्रिक्ट 1 छोड़ के 7 में जा रहे हैं। पागलों की तरह चले जा रहे हैं बस सड़क पे, पता नहीं कहाँ जाना है। वापस जा रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट 1 की तरफ, ये डिस्ट्रिक्ट 7 था। यहाँ से प्लान कर रहा हूँ जिल स्काई बार जाने की, जो हमारी लास्ट डेस्टिनेशन होगी साइगोन के अंदर। तो ये हमारे होटल के बाहर का जहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट हो रहा है वो वाली स्ट्रीट है, अभी बिल्कुल खाली है। Can we ask the sun to shine forever?